बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान आ गए हैं। ऐसा पहली बार है जब मुख्यमंत्री खट्टर ने एल्विश यादव पर लगे आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया दी हो। दरअसल मुख्यमंत्री खट्टर रविवार 5 नवंबर को करनाल में थे। करनाल में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जब मुख्यमंत्री खट्टर मीडिया से मुखातिब हुए तो उनसे तमाम मसलों सहित एल्विश यादव को लेकर भी सवाल किया, जिस पर उन्होंने जवाब भी दिया। सवाल ये था कि एल्विश यादव पर आरोप लगे हैं, जिसे आपने सम्मानित भी किया था, इस पर आप क्या कहेंगे। इस सवाल के आते ही मुख्यमंत्री खट्टर बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे कहा कि अभी ये विषय एक नया उठा है, उनके खिलाफ जो एक्शन लेना है वो पुलिस को लेना है, हमारा उसमें कोई कहना नहीं है, ना प्लस में ना माइनस में। जो इन्वेस्टिगेशन होगा, दोष होगा तो उनको जरूर सजा मिलेगी। यादव के ऊपर आरोप लगे हैं, जिसे आपने सम्मानित भी किया था, आपके संज्ञान में भी मामला आया होगा, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अभी ये विषय चूंकि एक नया विषय उठा है, उनके खिलाफ जो एक्शन करना है तो पुलिस ने करना है, हमारा उसमें कोई कहना नहीं है, न प्लस में ना माइनस में। जो इन्वेस्टिगेशन होगा, दोष होगा तो जरूर उनको सजा मिलेगी। यादव के ऊपर आरोप लगे हैं, जिसे आपने सम्मानित भी किया था, आपके संज्ञान में भी मामला आया होगा, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अभी ये विषय चूंकि एक नया विषय उठा है, उनके खिलाफ जो एक्शन करना है तो पुलिस ने करना है, हमारा उसमें कोई कहना नहीं है, न प्लस में ना माइनस में। जो इन्वेस्टिगेशन होगा, दोष होगा तो जरूर उनको सजा मिलेगी। बता दे, यूट्यूबर एल्विश यादव पर 3 नवंबर को नोएडा की रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने के आरोप लगे, जिसको लेकर पुलिस ने एल्विश यादव समेत 6 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की है। एफआईआर में कहा गया है कि एल्विश यादव जहरीले और जिंदा सांपों के साथ नोएडा के फार्म हाउस में वीडियो बनाते हैं और रेव पार्टी भी कराते हैं। बहरहाल पुलिस अभी इस मामले की जांच में जुटी है। देखने वाला होगा कि पुलिस इस मामले में क्या बड़ा खुलासा करती है। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।